हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आयुर्वेदिक कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जनरली तीन चीजों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैसे आप आयुर्वेदिक कंपनी की लिस्ट ले सकते हो, आयुर्वेदिक कंपनीज को ढूंढ सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे कि कैसे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तीसरा हम बात करेंगे कि अपनी नीड के हिसाब से आप कैसे बेस्ट कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम फाइंड आउट की बात करते हैं कैसे आप सर्च कर सकते हो, तो आप कई तरीकों से सर्च कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाके गूगल से जाके सर्च कर सकते हो आयुर्वेदिक कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहां पे आपको बहुत कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी, बहुत कंपनी आ जाएगी और बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें कंपनी की लिस्ट होगी वहां पे। उसके अलावा जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड मैगजीन्स होती हैं, न्यूज लेटर्स होते हैं, न्यूज पेपर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वहां पे भी आप आयुर्वेदिक कंपनीज की जो एडवर्टाइजमेंट आती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो, उनकी एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हो, वहां से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हो, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक लिस्ट तैयार करी है अपने ब्लॉग पे, वहां पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके भी आप कंपनीज की लिस्ट दे सकते हो। वहां पे काफी कंपनीज की लिस्ट हमने डाली हुई है, वहां से जाके भी आप कंपनीज की लिस्ट चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब आप अगर ऑनलाइन चेक कर रहे हो, उनकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, तो उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म आप फिल कर सकते हो, वहां से उनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर रहे हो, वहां से भी आप जो भी उनकी डिटेल है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, जो उनकी मेल आईडी है, वो सारा आप ले सकते हो। उसके बाद आप उनको डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जो फोन नंबर वहां पे दिए होंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी फिल कर सकते हो, आपको वहां से रिवर्ट भी आ सकता है। आप उनसे फाइंड आउट कर सकते हो कि उनको आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है या नहीं है, किस बेसिस पे वो काम करते हैं, खुद की सेल्स टीम रख के काम करते हैं या मार्केटिंग कम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, एमएलएन बेसिस पे काम करते हैं, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन वो करते हैं, और अगर उनका आपके एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है ये भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, तो आप उनसे कंप्लीट डिटेल मंगा सकते हो, उनकी प्रोडक्ट की लिस्ट, प्राइस लिस्ट और क्या उनका डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रोसीजर होता है, सारी चीजें उनसे आप मंगवा सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी नीड के हिसाब से कंपनी को फाइनलाइज कर सकते हो। हर बंदे की, हर प्रोफेशनल की अपनी एक्सपर्टीज होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली आयुर्वेदिक सेक्टर में क्या होता है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग तरह से बेचे जाते हैं। कुछ लोग उसको रिटेल काउंटर पे बेचते हैं, केमिस्ट शॉप पे बेचते हैं या बीएमए डॉक्टर्स के थ्रू बेचते हैं। कुछ पर्सन, कुछ प्रोफेशनल्स उसको डायरेक्टली टू कंज्यूमर बेचते हैं। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से आपको कंपनी को फाइनलाइज करने की जरूरत है। अगर आप केमिस्ट के थ्रू बेचते हैं या रिटेल काउंटर के थ्रू बेचते हैं या बीएमए डॉक्टर्स के थ्रू बेचते हैं, तो आपको उस कंपनी को फाइनलाइज करने है जिसमें वो प्रोडक्ट हो जो डिजीज से रिलेटेड हो, जो किसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हो। एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे लिवर टॉनिक हो गया, यूट्राइन टॉनिक हो गया, या फिर पेन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हो गए, तो उस तरह आप तो उनको फाइंड आउट कर सकते। अगर आपको कंज्यूमर बेस्ड मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो आप हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड जूस वगैरह जो काढ़े वगैरह होते हैं, या डायरेक्टली जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड कंपनी को सर्च कर सकते हो। तो जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है और जिस मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हो, उसके हिसाब से ही आपको कंपनी फाइनलाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केटिंग कम डिस्ट्रीब्यूशन ना करनी पड़े, आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखती हो, तो आप उस तरह की बात कर सकते हो, उस तरह की कंपनी को ढूंढ सकते हो। तो जिस भी तरह की आपको नीड है, जिस तरह की आपकी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है और जिस तरह के मार्केट में आप जाना चाहते हो, उसके हिसाब से ही आपको कंपनी फाइनलाइज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी की आप डिस्ट्रीब्यूशन लेके आप उससे काम कर सकते हो। पहले आपको अपनी मार्केट की नीड को समझना होगा, अपनी एक्सपर्टीज को समझना होगा, आपके एक्सपीरियंस को समझना होगा, उसी के बेसिस पे आप आयुर्वेदिक कंपनी को फाइनलाइज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।